हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डेजर्ट हंटर। अवचेतन मन की शक्ति, पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड। क्या आपने कभी सोचा है कि जब आप कोई हॉरर मूवी देखते हो तो क्यों डर जाते हो, जबकि आपको पता होता है कि ये सिर्फ एक ड्रामा है, या फिर आप किसी मूवी के इमोशनल सीन को देखकर भावुक हो जाते हो यह जानते हुए भी कि ये एक सिर्फ एक्टिंग है, ऐसा क्यों? आइए जानते अवचेतन मन की शक्ति, पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड। हमारा माइंड दो भागों में बटा हुआ है, कॉन्शियस माइंड एंड सबकॉन्शियस माइंड। आप दिन भर में जितने भी फैसले सोच समझ कर लेते हो वो सबकॉन्शियस माइंड की वजह से, लेकिन कुछ फैसले ऐसे होते हैं जिन पर हमारा कोई नियंत्रण नहीं होता, वो फैसले हमारा सबकॉन्शियस माइंड लेता है, जैसे कि ब्लड का फ्लो होना, बॉडी टेम्परेचर, हार्ट बीट एटसेट्रा। अगर आपने अपने अवचेतन मन यानी सबकॉन्शियस माइंड की पावर को समझ लिया तो आप इस दुनिया में सब कुछ हासिल कर सकते हो, क्योंकि आप और आपकी सफलता के बीच एक बंद दरवाजा है और उस बंद दरवाजे की चाबी है आपका सबकॉन्शियस माइंड। आइए जानते हैं कि सबकॉन्शियस माइंड और कॉन्शियस माइंड में क्या अंतर है। हमारा माइंड पेड़ की तरह है, जैसे पेड़ जमीन के ऊपर फैला होता है लेकिन उसकी जड़ जमीन के नीचे कहीं ज्यादा मात्रा में फैली हुई होती है। अगर देखा जाए तो पेड़ के जमीन से ऊपर वाले हिस्से को कॉन्शियस माइंड और जमीन के नीचे की जड़ों को सबकॉन्शियस माइंड बोल सकते हो। अगर पेड़ की जड़ें काट दी जाए तो पूरा का पूरा पेड़ ही गिर जाएगा। जब हम कोई नया काम शुरू करते हैं, जैसे कि बाइक चलाना सीखे, तो उस समय हमारा कॉन्शियस माइंड उसे कंट्रोल करता है और हमें बहुत ध्यान रखना पड़ता है। जब हम उसी काम को बार बार करते हैं तो उस काम की प्रोग्रामिंग हमारे सबकॉन्शियस माइंड में सेव हो जाती है और वह हमारी आदत बन जाती है। उसकी वजह से हम बाद में ऊपर उस पर ध्यान न दें तब भी हमारा सबकॉन्शियस माइंड उस चीज़ को कंट्रोल करता है। जैसा कि आप पैंट पहनते हो तो आपका लेफ्ट या राइट पैर पहले उठता है, आप उस बात पर ध्यान न भी दें लेकिन आपका सबकॉन्शियस माइंड उस चीज़ को कंट्रोल कर रहा होता है, जिसकी वजह से आप वही पैर उठाओगे जो आप हमेशा से उठाते आ रहे हो। हमारा कॉन्शियस माइंड सच या झूठ में फर्क जानता है लेकिन सबकॉन्शियस माइंड सच या झूठ में कोई अंतर नहीं जानता। इसकी वजह से झूठ भी सबकॉन्शियस माइंड को सच लगता है। यही कारण है कि हम जब हॉरर मूवी देखते हैं तो डर जाते हैं, या फिर कोई भयानक सपना देखते हैं तब भी डर जाते हैं। हमारा कॉन्शियस माइंड प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर में अंतर जानता है लेकिन सबकॉन्शियस माइंड सिर्फ प्रेजेंट में ही जीता है। इसी वजह से आप जब भी अपने पास्ट मेमोरी को सोचते हो आप भावुक हो जाते हो। अगर आप फ्यूचर के बारे में कुछ अच्छा करने की सोचते हो तो उत्साहित हो जाते हो, क्योंकि आप जो भी सोच रहे होते हो वो सबकॉन्शियस माइंड के लिए सिर्फ प्रेजेंट होता है और वह आपको प्रेजेंट में ही उसी तरह की फीलिंग्स देता है। आपने लॉ ऑफ अट्रैक्शन और ब्रेन वॉश के बारे में तो सुना ही होगा। लॉ ऑफ अट्रैक्शन और ब्रेन वॉश को जानने से पहले आइए यूनिवर्स के कुछ नियमों को जान लेते हैं। क्वांटम फिजिक्स के अनुसार यह दुनिया वैसी ही नहीं है जैसी हम इस दुनिया को देखते हैं। मतलब जब हम इस दुनिया को देख रहे होते हैं तब यह एक पार्टिकल की तरह व्यवहार करती है और जब हम उसे नहीं देखते हैं तब यह वेव की तरह व्यवहार करती है। ड्यूअल स्लिट एक्सपेरिमेंट इस बात का सबूत है। ब्रह्मांड में जो भी चीज़ मौजूद है उन सब की खुद की एक यूनिक फ्रिक्वेंसी होती है, चाहे वह कोई ग्रह हो या फिर कोई इंसान का कोई अन्य वस्तु। अब आते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन पर। आपने एक डायलॉग तो सुना ही होगा, अगर किसी चीज़ को दिल से चाहो तो पूरी कायनात उसे तुमसे मिलाने की कोशिश में लग जाती है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी यही कहता है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहता है कि हम जो भी हासिल करना चाहते हैं उसकी क्रिस्टल क्लियर इमेज हमारे सबकॉन्शियस माइंड में होनी चाहिए और हमें इस तरह से व्यवहार करना चाहिए कि हम उस चीज़ या सफलता को पहले से ही हासिल कर चुके हैं, क्योंकि हमारा सबकॉन्शियस माइंड सिर्फ प्रेजेंट को ही समझता है और यह कल्पना है और हकीकत में अंतर नहीं जानता है। ऐसा करने का फ़ायदा यह होगा कि हम जिस चीज़ को भी चाहेंगे उसकी एक यूनिक फ्रिक्वेंसी होगी और उस फ्रिक्वेंसी की चीज़ यूनिवर्स में जो भी जहाँ भी मौजूद होगी वो आपकी तरह अट्रैक्ट होने लगेगी। यह बात बिल्कुल सच है कि हम जैसा सोचते हैं 90% वैसा ही होता है। प्लेसिबो इफेक्ट इस बात का एक एग्जांपल है। कई एक्सपेरिमेंटों में ये साबित किया जा चुका है कि बीमारी सही करने के लिए दवा से ज़्यादा मरीज की इच्छा शक्ति काम करती है। एक एक्सपेरिमेंट में मरीजों के एक ग्रुप को बीमारी सही करने के लिए एक दवा दी जाती है और दूसरे ग्रुप को बताया जाता है कि उन्हें भी वही दवा दी जाती है जो बीमारी ठीक कर देगी, लेकिन असल में दूसरे ग्रुप को सिर्फ शुगर कोटेड पिल्स ही दी जाती है। इलाज के बाद दोनों ग्रुप के मरीज ठीक हो जाते हैं। सिर्फ आपकी सोच कि आपने बीमारी की दवा ले ली है और अब आप ठीक हो जाओगे, इसी को कहते हैं प्लेसिबो इफेक्ट। पुराने जमाने में भी यही टेक्निक काम करती थी। जब लोग बीमार होते थे तो तब बाबाओं के पास जाकर ताबीज लेकर धारण कर लेते थे और वो ठीक हो जाते थे।
पर हकीकत में उस ताबीज की कोई शक्ति ही नहीं थी, बल्कि ये तो मरीज की खुद की इच्छा शक्ति और विश्वास था कि वो ठीक हो जाते थे। इसलिए हमें हमेशा पॉजिटिव सोचना चाहिए, क्योंकि हम जैसा सोचेंगे हमारे साथ वैसा ही होगा। यही है आपके सबकॉन्शियस माइंड की पावर। आपके सबकॉन्शियस माइंड की पावर यहीं समाप्त नहीं होती है, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। आइए अब जानते ब्रेन वॉश टेक्निक को। साइंटिफिक रिसर्च ये बताती है कि किसी भी पुरानी आदत को भुलाने या नई आदत को अपनाने में हमारे दिमाग को 21 दिन का समय लगता है। अगर आप किसी भी काम को लगातार 21 दिन तक करते हो तो 22वें दिन आप उस काम को किए बगैर रह नहीं पाओगे, चाहे वो आपकी सही आदत हो या बेकार। आपका सबकॉन्शियस माइंड 21वें दिन इस आदत को अपना ही लेगा, क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड अच्छे या बुरे में फर्क नहीं जानता है। ये है एक ब्रेन वॉश। अगर देखा जाए तो हम हर आप हर रोज टीवी में या न्यूज़पेपर में अलग अलग प्रोडक्ट की एड देखते हो। क्या है ये? वो कंपनी अपने प्रोडक्ट की एड आपको बार बार दिखाकर सबकॉन्शियस माइंड में घुस जाती है। उसकी वजह से जब आप शॉपिंग करने जाओगे तब आप उसकी प्रोडक्ट को खरीदोगे और जिसकी एड आपके दिमाग में भरी हुई है, और बाद में वही प्रोडक्ट आपकी आदत बन जाएगी। यही कारण है कि कंपनी एड में करोड़ों रुपये खर्च कर देती है। ब्रेन वॉश हमारा इमोशनली किया जाता है। जैसे कि आप एड्स में देखते होंगे कि कोई बंदा काला है लेकिन ये सफल नहीं हो रहा है, लेकिन जैसे ही वह केयर क्रीम लगाने के बाद वो गोरा हो जाता है, जिसकी वजह से हम उसको जॉब मिल जाती है और लड़की मिल जाती है और यही सफल हो जाता है। क्या है ये? ब्रेन वॉश है। हाँ, यही ब्रेन वॉश है। ब्रेन वॉश इंसान को अच्छा भी बनाता है और बुरा भी बनाता है। ये डिपेंड करता है आपकी वह इंसान अपने अंदर किस तरह की आदतों को अपना रहा है। आतंकवादी भी ब्रेन वॉश करने के बाद ही बन जाते हैं। इसलिए कहते हैं कि हमें हमेशा अच्छी आदतों को अपनाना चाहिए, क्योंकि हमें सबकॉन्शियस माइंड को कंट्रोल नहीं कर सकते, बल्कि सबकॉन्शियस माइंड हमें कंट्रोल करता है। हम अपने सबकॉन्शियस माइंड की जैसी प्रोग्रामिंग करेंगे वो वैसा ही रिजल्ट दिखेगा। जो इंसान आपके सबकॉन्शियस माइंड को प्रोग्रामिंग अपने अनुसार कर लेता है, वो इंसान दुनिया में कुछ भी हासिल कर सकता है, क्योंकि आपका सबकॉन्शियस माइंड आपके लक्ष्य को हासिल करने के लिए सब कुछ करवा देता है। और मुझे उम्मीद है कि आप अपने सबकॉन्शियस माइंड की पावर को समझ चुके होंगे। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करना ना भूलें। और अगर आप इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना।